Hi everyone, today we study Neo GK for class 3rd. This is the 4th chapter named Quiz of Animal, यानी जानवरों का quiz. तो इसमें question दिया गया है tick correct answer. तो यहाँ पे correct answer पे tick करना है. पहला question है this is the largest big cat. तो this is यानी यह है the largest, सबसे बड़ी big cat यानी बड़ी बिल्ली. दो ऑप्शन दिए गए हैं, रॉयल बंगाल टाइगर पहला है, यानी आपका रॉयल बंगाल टाइगर जो अपने वेस्ट बंगाल का, और साइबेरियन टाइगर यानी जो साइबेरिया में टाइगर्स पाए जाते हैं उनको साइबेरियन टाइगर बोलते हैं. तो आपका ऑप्शन बी सही है, जो साइबेरियन टाइगर होते हैं वो लार्जेस्ट बिग कैट माने जाते हैं. सेकेंड में लिखा है हाउलर मंकीज़ आर द लाउडेस्ट ऑफ ऑल मंकीज. तो जो हाउलर मंकी होते हैं, हाउलर एक मंकी की प्रजाति है जो आपके अमेरिका में पाई जाती है. तो इस ये एक टाइप है, इस टाइप के मंकीज़ को हाउलर मंकीज़ बोलते हैं. आर द लाउडेस्ट यानी सबसे तेज होते हैं बोलने में, जो मंकी जो साउंड करता है उस साउंड में सबसे तेज़ होते हैं सभी मंकियों में, यानी सभी बंदरों में जो हाउलर मंकी होते हैं वो उनकी आवाज़ सबसे तेज़ होती है. फिर नीचे ऑप्शन ए दिया गया है सीरियस, यानी ये बात सीरियस है सही है, या बी है जोकिंग या मजाक में कहा जा रहा है. तो इसमें ऑप्शन ए में आप टिक करेंगे, ये सीरियस बात है, ये सच बात है. फिर देखिए थर्ड पॉइंट, विच इज़ ए डॉग्स स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस. तो विच मीन्स कौन सा, इज मीन्स है, ए डॉग, एक डॉग्स यानी एक कुत्ते का स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ताकतवर सेंस यानी इंद्री. तो जो डॉग्स होते हैं उनकी ऑप्शन ए में आपको टेस्ट दिया गया है स्वाद लेने का, ऑप्शन बी में दिया गया है स्मेल. तो कुत्तों की सूंघने की ताकत सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें आप ऑप्शन बी पे सही का टिक करेंगे. अब देखिए फोर्थ, इट हैज़ प्रिकली स्पाइंस फॉर प्रोटेक्शन. इट हैज़ यानी इट मीन्स यह हैज़ मीन्स रखता है, प्रिकली मीन्स होता है कांटेदार, स्पाइंस यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी पीठ में जो होती है वो, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर मीन्स के लिए, प्रोटेक्शन में सुरक्षा. तो इसकी जो पीठ होती है उस पर कांटेदार सुरक्षा होती है. तो ये आपका ऑप्शन ए हैजहॉग दिया है, ऑप्शन बी आर्मडिलो दिया है. हैजहॉग मीन्स होता है शाही, शाही होता है खरगोश के साइज़ का, छोटा सा होता है, उसके पीठ में बहुत सारे नुकीले नुकीले कांटे लगे रहते हैं, उसको हैजहॉग बोलते हैं. और आपका जो आर्मडिलो होता है उसको हिंदी में बर्मी बोला जाता है. तो ये किस टाइप का होता है आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं. इसकी जो पीठ होती है वो बहुत ठोस होती है, सॉलिड होती है. तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन फोर्थ में हैजहॉग सही ऑप्शन है. तो क्वेश्चन ए पे सॉरी इसके ऑप्शन ए पे आप टिक करेंगे फोर्थ वाले के. अब देखो थर्ड, चिंपांज़ आर ए पार्ट ऑफ विच फैमिली. तो जो चिपमंक्स होते हैं वो किस फैमिली के पार्ट होते हैं. ये देखिए चिपमंक्स ये एक तरीके की गिलहरी की प्रजाति होती है. ऑप्शन ए दिया गया है मंकी, ऑप्शन बी दिया गया है स्क्वायरल, यानी बंदरों की प्रजाति के होते हैं चिपमंक्स या गिलहरियों की प्रजाति के. तो ये गिलहरियों की प्रजाति के होते हैं, ऑप्शन बी पे आप टिक करेंगे. सिक्स में दिया गया है लेडी बर्ड्स आर ए फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड बिकॉज दे ईट प्लांट ईटिंग पेस्ट. तो जो आपका लेडी बर्ड होता है वो फार्मर्स का सबसे अच्छा दोस्त होता है, बिकॉज़ यानी क्योंकि दे ईट वो खाते हैं क्या, प्लांट ईटिंग पेस्ट यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो प्लांट पौधों को खाते हैं, लेडी बर्ड्स
लेडी बर्ड्स उन्हें खाती हैं। तो ये सीरियस है या जोकिंग? ऑप्शन ए में सीरियस दिया गया है, यानी ये गंभीर बात है, सच बात है। ऑप्शन बी में लिखा है जोकिंग या मजाक में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। अब देखिए सेवेंथ में क्या लिखा है। इन ए बी हाइव ड्रोन इज ए, इन यानी में ए बी हाइव, एक मधुमक्खी के छत्ते में, बी हाइव मधुमक्खी के छत्ते को बोलते हैं। ड्रोन इज ए, ड्रोन जो वर्ड है वो किसके लिए बोला जाता है? ऑप्शन ए में दिया है मेल बी, यानी जो नर मधुमक्खी होती है। ऑप्शन बी में दिया गया है वर्कर बी, जो काम करने वाली मधुमक्खी होती हैं, जो पौधों से, फूलों से रस निकाल के लाती हैं। तो ड्रोन वर्ड मेल बीज को बोला जाता है, जो निगरानी करते हैं बी हाइव की, मधुमक्खी के छत्ते की। तो ऑप्शन ए पे आप टिक करेंगे। एर्थ दिया गया है कंगारूज यूज़ देयर स्ट्रॉन्ग टेल्स टू, तो जो कैंगरूज यानी कंगारू होते हैं वो क्या करते हैं, यूज़ इस्तेमाल करते हैं देयर अपनी या उनकी स्ट्रॉन्ग ताकतवर टेल्स पूंछ को टू किसके लिए, हैंग डाउन फ्रॉम ट्रीज ब्रांचेस, यानी पेड़ की जो ब्रांच तने होते हैं उनसे लटकने के लिए। ऑप्शन बी में दिया गया है वेल बैलेंसिंग वाइल लीपिंग, यानी बैलेंस, यानी बैलेंस बनाने के लिए वाइल लीपिंग, जब हम आगे पीछे मूव करते हैं तो उसको लीपिंग बोलते हैं। ठीक है, मूवमेंट को, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की मूवमेंट को लीपिंग बोलते हैं, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी सही है, बैलेंस वाइल लीपिंग, यानी जो कैंगरू होते हैं वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल बैलेंस बनाने के लिए करते हैं, मूव करते समय जब वो चलते हैं, उछल उछल के चलते हैं उस टाइम। नाइन्थ में दिया है द जीब्रा बिलोंग्स टू द, तो जो जीब्रा होता है वो बिलोंग करता है टू द फैमिली, किस परिवार से, लेपर्ड यानी तेंदुए की फैमिली से, ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन बी में दिया है हॉर्स की फैमिली से। तो इसमें आप ऑप्शन बी पे टिक करेंगे, यानी हॉर्स की फैमिली से जीब्रा बिलोंग करते हैं। टेंथ दिया गया है कैमल्स विद टू हम्स, तो जो कैमल यानी जो ऊँट होते हैं विद टू हम्स, जो उनके दो कूबड़ होते हैं पीठ में, वो कैसे होते हैं, बैक्ट्रेन या ड्रोमे ड्रेन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी बैक्ट्रेन सही है। ये बैक्ट्रेन एक तरीके का नाम है, ये उनके लिए यूज़ होता है जिन ऊँटों के दो कूबड़ होते हैं, हम्स होते हैं। और यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट।